आज चावल का खीर बनाएंगे। 1 लीटर दूध बॉयल करने रख दिया है। दूध बॉयल हो रहा है, इसमें थोड़ा सा मैं केसर डाल रही हूँ। देखिए, 1 लीटर दूध के लिए 1 मुट्ठी चावल 2 घंटा भिगाया है। वो चावल भी अभी दूध बॉयल हो रहा है, उसमें चावल डाल दिया है। देखिए, ये मीडियम आंच में पकता रहे। देखिए चावल कितना अच्छा पक रहा है, चावल पक गया है। इसको थोड़ा सा मथनी करेंगे। मथनी करने से चावल दूध में मिक्स होता है तो अच्छा लगता है खाने में। थोड़ा सा ऐसा मिक्स करेंगे। 1 कप चीनी डाल रही हूँ। इलायची, चीनी डालने के बाद भी 10 मिनट पकाना है। अभी घी डाल रही हूँ, इसको थोड़ा चौक लगा देंगे। ड्राई फ्रूट थोड़ा तल लेंगे। इसमें काजू, बादाम और चिरंजी, इन तीनों चीज़ों को तल रही हूँ। देखिए अच्छा तल रहा है। अभी चावल का खीर तैयार हो गया है। इसको सर्विंग बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। ऊपर से जो तला हुआ ड्राई फ्रूट डाल दिया है। देखिए बहुत इजी है बनाना। चावल का खीर रेडी।